हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बनाना सिखाएंगे आपको स्वीट कॉर्न चाट। अमेरिकन भुट्टे से ये बनाई जाती है। इसके लिए हमने 3 भुट्टे लिए हैं। इनको हम नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए, एक एक दाना बिल्कुल बढ़िया फाइन निकला है। इस तरह हमने सारे दाने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे कि उसमें कॉर्न अच्छे से डूब जाए। 1 चम्मच इसमें हमने नमक ऐड किया है और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। लगभग 5 मिनट में ये पक जाएंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे। देखिए, अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम चाट बनाने के लिए 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 नींबू और 1 टमाटर लेते हैं। इनको हम बारीक फाइन चॉप्ड करेंगे। इसी तरह हम टमाटर भी चॉप्ड कर लेंगे। इस तरह हमने टमाटर, प्याज, मिर्च चॉप्ड कर लिए हैं और तुलसी पत्ते भी हमने लिए हैं। अब हम बॉइल्ड कॉर्न को छान लेंगे। पानी अलग कर लिया है और एक पैन को गर्म करेंगे जिसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो। घी गर्म होने के बाद इसमें हम 1 पिंच जीरा डालेंगे। जीरा फ्राई होने के बाद इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी। हल्का सा पकाने के बाद इसमें अब हम ऑनियन डालेंगे। और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हमने टमाटो डाल दिया है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा पकाना है। इस तरह अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच वाइट सॉल्ट, 1 चम्मच ग्राइंडेड शुगर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप 1/2 चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर सकते हो। इसमें हम नींबू ऐड कर देंगे जिससे खट्टी खट्टी चाट बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। लगभग 2 मिनट ढकने के बाद इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अच्छा फ्लेवर और खुशबू आने लगी है। इसमें अब हम तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे, इससे ये चाट और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। रहें 2 से 3 मिनट हम बिना ढके हुए इसे फ्राई करेंगे और थोड़ा सा घी ऐड और कर देंगे। 1/2 चम्मच हमने घी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह चाट तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। इस तरह चाट बनाकर आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी।